हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बेरोजगार इंजीनियर में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके भी पोको X3 में स्विच ऑफ प्रॉब्लम आती है तो डिवाइस स्विच ऑफ हो जा रहा है आप ऑटोमेटिक, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में यही बताऊंगा। मेरे पास भी पोको X3 प्रो है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए आज की वीडियो में ये बताऊंगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और उसके मत कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम मात्र 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं अपने डिवाइस की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो डिवाइस की स्क्रीन में आने के बाद हमें क्या करना है, सेटिंग ओपन कर लेना है अपने डिवाइस की। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में यहाँ पे जो अपडेट होता है उसमें जाना है। तो हमें कोई अपडेट आया नहीं है मेरे डिवाइस में, तो मैं क्या करूँगा, राइट कॉर्नर के टॉप में चले जाऊँगा। तो यहाँ पर डाउनलोड लोड लेटेस्ट पैकेज है, उस पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड पर लगा देना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका यही है बेस्ट कि कभी कभी वर्जन में हमें प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो मेरा नेट स्लो है तो इस करके थोड़ा अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं सेकंड मेथड बताता हूँ इस आगे। ठीक है, तो अगर पहला मेथड वर्क नहीं करेगा तो हमें सेकंड मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या करना है, हमें अपने डिवाइस की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो डिवाइस की सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो जैसे मैं सेटिंग ओपन करके नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, सीधे सर्च कर लेते हैं या फिर। तो यहाँ पे रीसेट होता होगा एक फीचर, तो रीसेट फैक्ट्री रीसेट होता है, उसको कर लेना है। कभी कभी हमारी जो सेटिंग में ग्लिच आ जाता है तो हमें यहाँ कुछ वायरस आ जाता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो हमें रीसेट कर लेना फ़ोन। तो अगर आप फ़ोन को रीसेट नहीं करना चाहते तो बैटरी चेक करवा लीजिएगा एक बार, कभी कभी बैटरी में डैमेज आ जाती है क्योंकि आप रात को लगा रखते हो या फोन चार्ज, या फिर कभी कभी शॉक लग जाता है जिसकी वजह से बैटरी ख़राब हो जाती है। तो इसके कारण क्या है, अगर आपका फ़ोन ओवर हीट हो रहा है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। तो आप पबजी वगैरह तो छोड़ दीजिए अपने फ़ोन में, उसको मत खेलिएगा। और बैटरी ज़रूर चेक करवाइएगा, अगर बैटरी अगर ख़राब है आपकी तो आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।